खबर मिर्जापुर से है, जहां पर 96 जिगना के अंतर्गत रसौली ग्राम सभा में अपहरण कर अजय कुमार की पुत्री जिसकी उम्र करीबन 15 वर्ष है को गांव के ही एक लड़का मनोज कुमार उर्फ भानु पुत्र लड़की को बैला फुसला कर अपने साथ ले गया, जिसकी तहरीर पर माता पिता ने 19 तारीख को थाना जिगना में दिया था। तहरीर में देवकत अवगत कराया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मदेव है। जी जी, धर्मदेव जी, ये बताइए आप कि क्या प्रकरण है, क्या मैटर है पूरा? ये मैटर ये है कि हमारे गांव का लड़की है, ये भानु नाम का लड़का अपहरण करके जो है लेके अपने बहन के गांव रह रहा था, शिवपुर गांव में। और उसके बाद जो है जिसको अपहरण किया था वो कौन थी आपकी? अपहरण किया था हमारी भतीजी। जी 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 हाँ, तो शिवपुर गांव लेके वो गया था, ये सुराग आपको मिला? हाँ, सुराग मिला, ये करीब 15-20 दिन से रह के लेके रह रहा। कितने तारीख को रह रहा था? 18 तारीख को शाम को करीब 12 बजे लेके। अच्छा, जिस दिन ये जब लड़की आपकी भागी, कितने दिन पहले भागी थी? तहरीर आप जिगना थाने में दिए थे? जी, 18 तारीख के भागी थी। जी जी जी, 19 तारीख के तहरीर दिए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज आपको पता चला कि शिवपुर गांव में वो रह रहे हैं, तो आप लोग वहां पहुंचे? हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ था कि हम लोग पता लगाने गए थे, तो ये लोग जो है आतंकी के तरह जो है लाठी डंडा से चार्ज करने लगे और मारने पीटने के लिए हमारे सर पे काफी गंभीर से चोट दे दी। अच्छा, जैसे आप पूछताछ करने लगे कि हमारी लड़की आई है कि नहीं, तो वो लोग बाद विवाद करके आप लोगों को मारने लगे, करके हमको पीटने लगे। तो आपके साथ साथ कितने लोगों को चोट लगी है? करीब 2-3 आदमी को। अच्छा अच्छा, आपके साथ औरतें भी थी? औरतें भी थी। औरत को भी चोट आई है? औरत को जो है, लड़कों को जो है। तो क्या है आपका वो पुलिस वालों को तहरीर दिए, सूचना आप दिए कि ऐसा हमारे साथ हुआ? हाँ, हम दिए जो है, हम फिर वापस आए तो जिगना थाने में आए थाने वाले। तो मेडिकल आपका हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ है। क्यों, पुलिस वाले आपका मेडिकल नहीं करवाए? मेडिकल बोले कि जाओ जो है पट्टी करा लो, हम मेडिकल के लिए बोल रहे हैं, बोले कि जो है जाओ, उसके बाद जो है बाद में हम करा देंगे। आप करते क्या हो? हम रेलवे एमपी राइल है, हम एनसीआर में काम करते हैं। जी जी, तो उसके बाद आपका मेडिकल नहीं कराया गया? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं इस समय? हम इस समय चाहते हैं सर कि जो लोग हमारे ऊपर प्रहार किए हैं और वो लड़की को हाजिर किया जाए। अजय कुमार जी, क्या प्रकरण है पूरा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे सर ये है कि हमारी लड़की भाग गई है, 18 तारीख को भागी थी। जी जी जी, जिसका कारण हम 19 तारीख को थाने में दिए थे। लड़की अच्छा, क्या नाम है? तहरीर दिए थे। हाँ, लिखे तहरीर। क्या नाम है लड़की का? आकांक्षा देवी। जी जी, तो भगाने वाला कौन था पता है आप? हाँ, वो भानु प्रसाद उर्फ मनोज कुमार। कहाँ का है ये? ये रसौली ही गाँव का है। आपके ही गाँव का है? जी, तो आप इसकी सूचना जिगना थाने में दिए? हाँ, 19 तारीख को दिए। तो क्या कोई कार्रवाई हुआ उस पर? कुछ नहीं हुआ सर, कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप लोग जो आज का प्रकरण हुआ है, तो इसको लेके क्या विवाद हुआ? आज ये सर, हम लोग यहाँ शिवपुर गांव गए थे, तो शिवपुर गांव में पता चला कि लड़की के जो है वहाँ लड़का का वो बहन रहती है वहीं। जी जी, तो वहाँ जगह जब हम लोग पूछने गए तो वो लोग मारने पीटने को करा। जी, और उसके बावजूद भी हमारे लोग दो आदमी को चोट आई है और औरतों को जो है भीतर साल लगा हुआ है। जी जी जी, और एक वो आदमी का तो सब में कपार फट गया है। तो क्या आप, जैसे ये आपके साथ अनहोनी हुई, तो जिगना प्रभारी महोदय को आप अवगत कराए? हाँ, उनको कराए तो बोले कि जाओ प्राइवेट में जो है कि वो करा लो। जी जी हाँ, प्राइवेट में वो मेडिकल पे जाओ, पट्टी वट्टी बनवा के चले जाओ। तो हम लोग भी घर पे चले आए। मेडिकल नहीं हुआ आप? नहीं, मेडिकल नहीं हुआ। तो क्या प्रभारी महोदय क्या आपको बोले? वो बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पट्टी वट्टी कराए हो, उसके बाद तुम चले जाओ, हम तुम्हारा कार्रवाई करेंगे। जी जी, अब किए नहीं। तो आप शाम को गए थे? हाँ, शाम को गए थे। तो शाम को क्या हुआ? उसमें गुमशुदा का जो है रिपोर्ट दर्ज। आज गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया? जी जी जी, तो आपको क्या न्याय मिला, संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं सर, संतुष्ट आप नहीं है, न्याय आपको नहीं मिल पाया। मिर्जापुर से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार, और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।